हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। और ये वीडियो है कमेंट सेक्शन वाला। कल एक पोस्ट डाला था मैंने, परसों डाला था आई थिंक, तो उसी के ऊपर है। पहला कमेंट ले लेते हैं। उससे पहले मैं एक छोटा सा रिमाइंडर देना चाहूँगी कि प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करना, शेयर करना, कमेंट करके बताना आपको कैसा लगा वीडियो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। और इसी वीडियो के जैसी मैं वीडियो रोज़ डेली एक वीडियो लाती हूँ, तो अगर आप लोग भी इंटरेस्टेड हो ऐसी वीडियोज़ में अपने कमेंट को, अपने मैसेज को मुझसे पढ़वाने के लिए, तो प्लीज़ आप मेरे कम्युनिटी सेक्शन में जाकर और कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा, जिसमें कि लिखा होता है कि कमेंट सेक्शन वीडियो के लिए कमेंट कर दीजिए। तो आप वहाँ पर कमेंट करेंगे तो अगले दिन आपका वीडियो ज़रूर, वीडियो में आपके नाम के साथ आपका कमेंट ज़रूर लिया जाएगा। तो चलिए आती हूँ फर्स्ट कमेंट के ऊपर। अंजलि जी का कमेंट है, इन्होंने लिखा है, पहले तो इनका यही कमेंट था कि मतलब पहले ये अभी थोड़ा बिजी हैं, उसके बाद पढ़ के मतलब उसका वीडियो देख के आएंगी और फिर आके कमेंट करेंगी। तो नेक्स्ट कमेंट ले लेते हैं। इन्होंने लिखा है, टॉम एंड जेरी वाली आईडी है, इन्होंने लिखा है, इस चालाक लोमड़ी के लिए क्या ही कमेंट करें, पूरी की पूरी फैमिली ऐसी है, सब प्यार करने में लगे हैं, इन लोगों को एक दूसरे से शर्म नहीं है, बाप बेटी भाई सबके अंदर कूट कूट के भरा है प्यार, ज़्यादा बारीक होने की वजह से छलनी से निकल जाता है इनका प्यार, फिर रह जाती हैं खाली हाथ। एक बात देखिए, कल सारा ड्रामा करके अब लोगों का माइंड डाइवर्ट करने को जुबीन पे चली गई शातिर औरत। बिल्कुल सही बात बोली, इनका प्यार इतना ज़्यादा बारीकी से कुट गया है, पिस गया है कि मतलब छलनी से भी बाहर जा रहा है और फिसले जा रहा है, इनके हाथ में टिकता कुछ नहीं है। और ये माइंड डाइवर्ट कर रही हैं, ये चीज़ रियलिटी है और ये जानबूझ के किया जा रहा है। जो एक बेटी, एक महीने की बेटी वाला टॉपिक है, उसको कवर अप करने के लिए जानबूझ के किया जा रहा है। तो मैं बार बार इस टॉपिक को उठा रही हूँ, इसलिए उठा रही हूँ ताकि लोग भूले नहीं। और अगला कमेंट ले लेते हैं अंजलि जी का। इन्होंने लिखा है, इस बीटेक महिला को इतना नहीं पता कि हीमोग्लोबिन होता है ना कि हीमोग्लोबिन, पता नहीं इन्होंने क्या लिखा है कि का माँ बहन कर देती है, इंग्लिश का माँ बहन कर देती है, जब नहीं बोलना आता तो हिंदी में क्यों बोल लेती है, डॉक्टर ने थोड़ी कंपलसरी करी है, तुझे बोलना ही है। सही बात है, बोलना नहीं आता तो शब्दों को गड़बड़ क्यों करती है। पता है ये दो दिन पहले एक चीज़ और भी बोल रही थी, कंट्री मतलब सिटी पता नहीं क्या बोल रही थी, आई थिंक किसी जगह को राजधानी को राजस्थानी ऐसा कुछ बोल रही थी, राजधानी को। तो ये इसको बोलना लिखना कुछ नहीं आता मुझे तो, जहाँ तक लगता है। अंजलि जी का अगला कमेंट है ना, लिखा, बोलती है, सफ़र करके मैं सोई भी नहीं सड़ेली बहन, तुझे नींद भी कैसे आ जाती है इन कीड़ों में, बिल्कुल ही बेशरम है, क्या गंदी, बेशरम तो बहुत है वो, पूछो ही मत। सिम सिम करके आई डी है ना, लिखा, मेरा क्वेश्चन ये है कि कल की वीडियो में बच्चे को ट्रेन में एक आदमी ने पकड़ रखा है, आपने और अपने दोनों पैर उस आदमी को टच करके ऊपर रखा हुआ है, जबकि बाकी लोग तमीज़ से नीचे पैर करके बैठे हैं, मुझे ये पूछना है कि इस हद तक बेशरम कैसे है, या अनजान आदमियों में इतनी कंफर्टेबल कैसे हो जाती है। तो मैं ये कहूँगी कि वो कंफर्टेबल हो जाती है, इसीलिए तो इतना सब कुछ वो कर पा रही है। अगर वो कंफर्टेबल ना होती तो शायद वो अभी सर्वाइव भी ना कर पा रही होती है ना। तो आप मेरे इसी आंसर से ही समझ गए होंगे मेरी बात को। अंजलि जी का नेक्स्ट कमेंट है ना, लिखा है, बोलती है कि बच्चा खाना बना कर देती हूँ, नहीं खाता, इसकी मेहनत खराब चली गई, बच्चे को शुरू से ही नहीं खिलाती, चावल आलू फ्राई देती है तो उसकी आदत, और बनाना भी क्या आता है। सही बोल रहे हो आप कि ये चावल और आलू फ्राई ही देती थी, तो जब कुछ खिलाया ही नहीं बच्चे को तो आदत कैसे बनेगी उसकी और वो कैसे ही खाएगा। अगला मैसेज है सिम सिम करके आई डी है, और लिखा है, सेकेंड ये कि लेटेस्ट मैटर पर, इसको सांप कैसे सूंघ गया, इसको पता है कि अब धज्जियाँ उड़ा दी जाएंगी, इसको मौका देखकर पूछ दबा के बैठ गई है। तो मैं ये कहूँगी वो पूछ दबा के नहीं बैठी है, वो आप लोगों को अभी भी बेवकूफ़ बना रही है। उसने इससे बड़े वाले टॉपिक को रोकने के लिए छोटा टॉपिक स्टार्ट किया है, बिकॉज़ क्योंकि भाई जो है वो सच में कुछ कर सकता है, इसको मालूम है। तो घर का बंदा जब करेगा तो आपको पता है कि घर के बंदे से ज़्यादा धज्जियाँ उड़ेंगी, है ना,
अगर बाहर वाला कुछ करेगा तो बाहर वाले पे तो एक एलिगेशन लग जाएगा, उसके तो पैरों में भी गिर जाएगी, तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, है ना, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन ये कंट्रोवर्सी जानबूझ के हुई है, ये बात मेरे से अभी भी लिखवा के ले लो आप लोग। मैसेज अंजलि जी का लिखा है, इसकी किचन ऐसी लगती है जैसे स्टोर रूम हो, कबाड़ा भरा पड़ा है। सही बात है, लोग कितना ज़्यादा इसको कमेंट कर रहे हैं, और मुझे तो समझ में नहीं आती कि इतने किचड़ पिचड़ में खाना कैसे बना लेती है और कैसे खा लेती है यार, अजीब फील आता है बहुत। शाली महल करके नई आईडी है, मतलब नई आईडी नहीं, नेक्स्ट आईडी है, इन्होंने लिखा गधी खाना बनाना नहीं सीख सकती है, बच्चा बड़ा हो रहा है, रोटी मुझी ना डाला भाई के अपडेट दे। तो बच्चा बड़ा हो रहा है, खाना नहीं बनाना सीख सकती, वो तो बात सही कह रहे हो आप। बच्चा बड़ा हो रहा है तो इसको कौन सा फ़र्क पड़ रहा है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। जितना 4 साल में जितना हो गया वो खा खा के वही आलू चावल आगे भी खा लेगा। ममता जी का मैसेज है, इन्होंने लिखा इसके लिए आप शब्द कम पड़ गए हैं, आज ड्रामा कर दिया, पूरी सब्जी बनाकर गई गाय को दी झूठी औरत ने, उस दिन कुछ नहीं किया। ये कल की वीडियो है जब लोगों ने जीना हराम किया कि कल बनाई इसने। सही बात कह रहे हो, बरसी वाली वीडियो मेरी जब आई उसके बाद लोगों ने भी इसको बहुत ज़्यादा परेशान किया हुआ था, तो तब इसने पूड़ी बनाई और सब्जी बनाई और पागल बना दिया, पैक करते हुए दिखा दिया और बोला कि मैं गाय को देख के आई हूँ, जबकि गाय को भी नहीं गई, वो पूड़ी सब्जी इसने खुद ही खाई होगी। अंजलि जी का अगला मैसेज है, लिखा मुझे एक बात समझ नहीं आती कि एक ही बात बार बार क्यों रिपीट करती है, एक बार बोलकर भूल जाती है, क्या याद नहीं रहता, शायद हर वीडियो में वही हर वीडियो में खींचना होता है, बेवकूफ़ बनाना होता है तो इसलिए चल रहा होता है। अगला मैसेज गौरव जी का, गौरी जी का है, इन्होंने इसी पे रिप्लाई किया है, इन्होंने लिखा डियर वो जानबूझ के करती है, 3 वीडियोस डालती है, कोई कंटेंट नहीं होता तो इसलिए एक ही बात रिपीट करती रहती है। बिल्कुल सही कह रहे हो, 3 वीडियो डालना आसान बात नहीं होती है। अंजलि जी ने लिखा है आगे, दिमागी तौर पर तो हालात गंभीर है, क्या उसके क्या होगा राम जाने। गौरी जी ने लिखा आई थिंक शी इज़ डूइंग ऑल दिस पर्पसली, बिल्कुल ये पागल वागल नहीं है, ये हमें पागल बना रही है इस समय बैठ के। अंजलि जी का अगला मैसेज है, पति की बरसी पे ऐसे खाना कौन निकालता है, कुछ भी नहीं आता, 34 साल की औरत को कुछ भी नहीं आता यार सच में, और वो बरसी का खाना नहीं था, वो सिर्फ पागल बनाया गया और कुछ नहीं था। ओलिविया जी का मैसेज है, इसको ऐसी क्या फता रखी होती है कि ये इंसानों की तरह नहीं खाती ना खरीदती है, 3-3, 4-4 किलो घी एक साथ, 2-2 लीटर कि 10 बोतल कोल्ड ड्रिंक की, भाई ले लो एक दोबारा फिर ले लेना फिर मिलेगी, दुकान थोड़ी बंद हो रही है, ये पेड़ पे मौसमी उगनी बंद हो रही है, 30 किलो एक साथ लेके ठूस लो, सारा लाती है फिर बर्बाद करती है, फिर खुद रोती है, पैसे चले गए। सही बात कह रहे हो यार, कितनी मतलब क्या करती है, एक एक भर भर के ले लो, जैसे पता नहीं मेरे को तो ऐसा लगता है कि कल से जैसे था नहीं पहले लॉकडाउन लग गया था, से लॉकडाउन में भी इतना आतंक नहीं मचा बताओ, सामान तो तब भी मिल ही रहा था नॉर्मली, कुछ कुछ चीज़ें तो बंद हुई थी, बाकी ज़्यादातर तो चीज़ें मिल ही रही थी, मतलब सरवाइव तो हो ही गया था सबका, है ना। तो लॉकडाउन में इतना आतंक नहीं मचा, तो इसने इतना आतंक अभी नॉर्मल डेज में मचा रखा, बताओ हद है यार। लिपिया जी का अगला मैसेज है, लिखा पिछली बार मम्मी के फ्रिज की स्विच हमारे सामने ऑन कैमरा बंद की थी, उसमें वॉर्म्स हो गए थे, उठा के माँ को ब्लेम कर दिया बड़ी सफाई से कि मम्मी ने बंद कर दिया, और इस बार भी वही उन पे ब्लेम लगा दिए कि मम्मी फ्रिज बंद करके चली जाती हैं, अकाउंटेबिलिटी शब्द नहीं है इसके जीवन में। सही बात है। अगला मैसेज है ओलिविया जी का, ये मजे मजे के लिए गई थी कि मुफ्त में प्लान में बैठ के मिलेगा, फ्री का संपत्ति वाला कंटेंट मिलेगा, इसको कोई चिंता नहीं है भाई की, इसको पता नहीं था कि वो इसे प्लेन के पैसे मांगने जाएंगे, वरना ये ज़िंदगी में ना जाती, मुफ्त का लालच में गई थी क्योंकि इसने ज़िंदगी में प्लेन नहीं देखा था, और कह भी रही थी कि रिग्रेट तो इसे इसका है कि पैसे प्लेन में लगाए, ये आई तो है ही नहीं, बट जाती भी जनरल में 1500 रुपये में, इसको कोई डर कोई पछतावा नहीं है। सही बात है, ये बात तो आपने बिल्कुल सही बोली। पिंटू जी ने लिखा है, नो प्रॉब्लम, बहुत पैसे हैं इस पे, कम से कम फ्लाइट और ट्रेन का मज़ा ले लिया लाइफ में फर्स्ट टाइम। हाँ ये तो है, फर्स्ट टाइम चलो इतना हो गया। ओलिविया जी का मैसेज है, अभी 1 महीने के अंदर इसकी मम्मी यही पड़ी मिलेगी, उनके हाथ का पनीर का पराठा रोटी पूड़ी खुद भी खाएगी और अपने बच्चे के टिफिन में भी भरेगी, आई कैन गारंटी।
तब तक फ्रेंच फ्राइज और फ्रूट और दही चावल मखाने ब्रेड पे अपने बच्चे को जिंदा रख रही है। शर्म तो क्या गिल्टी भी नहीं है, नहीं आती इसको किसी की इतनी बेइज्जती करके उसके हाथ का खाना खाने में इतनी अकड़ से। सही बात है, बिल्कुल भी नहीं है। शहज़ गिल का मैसेज है इन्हीं के ऊपर, तो इन्होंने लिखा, मुझे तो आप लोगों की समझ नहीं आती। कुछ दिन पहले जब भेंगी आँख वाली गधी अकेली ट्रेन से थी तब इतनी संपत्ति दिखाई, अब क्या हुआ? देखो, संपत्ति वगैरह कुछ नहीं दिखाई थी, लेकिन वो चीज़ गलत थी तो गलत है, आज भी गलत है वो, ठीक है। चाहे कोई लड़की कोई औरत कितनी भी गलत हो, लेकिन उसके साथ उसकी फैमिली को इस तरीके का बिहेव नहीं करना चाहिए, मुझे लगता है। दूसरी चीज़ की अगर वो आ रही थी तो या तो उसका पहले से बुकिंग वगैरह करा के उसको बाहर वापस भेजना था, या फिर उसको लेकर ही नहीं जाना चाहिए था। चाहे वो रोड पे लेट भी जाती, लेट लेट के रोती पिटती भी ना, तब भी ना ले जाना चाहिए था, क्योंकि आप उसकी रियलिटी और उसकी औकात जानते हो, है ना। ओलिविया जी का नेक्स्ट इन्हीं को रिप्लाई है, संपत्ति दिखाई थी बिकॉज वो संपत्ति दिखाने वाली सिचुएशन थी और छोटा बच्चा था। इसके साथ जेंट्स से भरी ट्रेन में, घर में और जनरल ट्रेन में आपको फ़र्क पता नहीं है शायद, बट अभी ये क्या हुआ कि अभी अपने घर में है इसलिए सेफ है, इसलिए संपत्ति जहाँ होनी चाहिए सिर्फ वहीं के लिए, जहाँ ज़रूरत नहीं है वहाँ नहीं है। होप यू अंडरस्टूड अब क्या हुआ। एंड अभी भी अगर ये किसी पतल सिचुएशन में होगी तो इसके साथ किया जाएगा तो भी संपत्ति होगी, बाद में भी होगी। संपत्ति सब्जेक्टिव नहीं है, ये ज़िंदगी में कभी मत दो या ज़िंदगी भर देते रहो, सिचुएशन पे डिपेंड करता है। इंसान सिंपति मिलनी चाहिए या नहीं, एक बार कोई इंसान सिंपति डिज़र्व करता है तो मैं उसे ज़िंदगी भर सिंपति नहीं देती। कोई इंसान खतरे में होता है तो मैं उससे नफरत नहीं करती, तब भी उससे सिंपति ना दूँ। उस कंडीशन में उतने रिस्क में कोई जानी दुश्मन भी होगा उसे भी संपत्ति तब भी दी, आगे भी दूंगी। सही बात बोली है इन्होंने कि सिचुएशन के अकॉर्डिंगली था और वो बच्चा था छोटा, तब करके उन्होंने क्या, मैंने भी संपत्ति दी थी, ठीक है। तो अगर वो आप मेरे दुश्मन हो तब भी अगर आप इस सिचुएशन में हो तो मेरे को उस समय थोड़ा तरस तो ज़रूर आएगा। अनाभिया जी ने लिखा है, लेकिन इसके साथ कभी गलत होता ही नहीं है, ये विडो कार्ड खेलती है, बस गलत करती है सबके साथ। तो वो तो खेलती है, लेकिन उसका तो मिलेगा उसको जितना भी वो करेगी। तो यही थे आज के कमेंट सेक्शन वीडियो, उम्मीद करूँगी कि आप लोगों को पसंद आया होगा वीडियो। सारे कमेंट्स जो हैं मैंने कवर अप कर लिए और नया कम्युनिटी भी लग गया है, तो आप लोग कमेंट भर भर के कर दीजिए, कल आएगा उसका वीडियो। तो उम्मीद करूँगी कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा भर भर के, और मैं मिलती हूँ अगले वीडियो के साथ में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।